जय हिंद साथियों, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूट एंड कैक पे स्वागत करता हूं। इससे कि पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 31 जुलाई को सुबह 8 बजे लेखपाल के सभी अभ्यर्थी जो हैं ये यूपीटीएससी ऑफिस जा रहे हैं। तो मेरी आपसे लास्ट अपील है कि आप लोग अगर अभी तक घरों से नहीं निकले हुए हैं तो प्लीज़ निकल लीजिए। जिनका घर दूर है शायद अब वो ना आ पाएँ, अगर उन्होंने पहले नहीं सोचा तो ये उनकी गलती है, उन्हें पहले ही सोचना चाहिए था। अगर आप ये सोच रहे हैं केवल लखनऊ के आसपास के बच्चे ही वहाँ पे जा रहे हैं तो ये बस आपका एक भ्रम है। मैं बता दूँ, बच्चे जो है बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मैं खुद की बात करूँ तो मैं महाराजगंज से हूँ। आपने यूपी जी के पढ़ा होगा कि नेपाल से सटे हुए ज़िले कौन कौन से हैं, उसमें महाराजगंज का नाम सुना होगा आपने। मैं वहाँ से हूँ, मैं इसमें रास्ते में हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो पहले का रिकॉर्डेड है। तो आप लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आप लोग अभी पास के हैं फिर भी आप लोग सुबह आ सकते हैं, अगर 100-150 किलोमीटर की दूरी पे है फिर भी अगर आप बस करते हैं तो बस से आप आ सकते हैं वहाँ पे। तो आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कल सुबह 8 से 9 बजे तक ऑफिस पहुँचने का, ठीक है। पिकअप भवन आपको पता होगा गोमती नगर में है ये, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कीजिए। बाकी जो अभ्यर्थी अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको भी कुछ दायित्व होना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं बता दूँ कि जिन अभ्यर्थियों का अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपसे एक अपील मेरी रहेगी कि आप लोग जो भी वीडियो जाए यूपीटीएससी ऑफिस से या फिर जो भी कटिंग आए, ठीक है, उसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोगों को, ठीक है। जो भी चीज़ें वहाँ पर होंगी मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको शेयर करता रहूँगा। आप लोगों की ये प्रमुखता में रखना है चीज़ों को कि उसको शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बस मेरी वीडियो शेयर कीजिए, जो भी आपको कहीं से भी मिल रहा है, ठीक है, सही जानकारी को उसको शेयर कीजिए। बाकी जो भी बच्चे वहाँ जा रहे हैं मेरी उनसे अपील रहेगी कि जो भी चीज़ें हो उसको शांतिपूर्वक करें। हमारा जो मेन वर्क है वहाँ पे सर से अपील करना कि वो डीवी डेट अनाउंस करें जल्द से जल्द, भले ही डीवी आपकी सितंबर लास्ट में हो या जब कभी भी हो, लेकिन एक नोटिस वो दे दें यहाँ पे कि आपकी इस डेट को होगी और इस डेट को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और उस पर वो अमल करें। यही हमारी अपील रहने वाली है, जो भी चीज़ें होंगी शांतिपूर्वक होंगी। ये चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और ये लास्ट अपील है मेरी कि जो भी अभ्यर्थी लखनऊ के आसपास के हों वो वहाँ आने की कोशिश जरूर करें, इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो दबाव ज़्यादा पड़ेगा और डीवी डेट उतना ही पास आएगा, ठीक है। तो इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी कल मेरी मुलाकात वहाँ पे जो भी छात्र होंगे होगी वहाँ पे, और जो भी अपडेट होगा वहाँ पे हो सकेगा तो मैं लाइव आके आप लोगों को सारी चीज़ें अवगत कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कहीं से भी इन्फॉर्मेशन हो, सटीक इन्फॉर्मेशन हो, उसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।